हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है देवर सिंह और आज की इस नए वीडियो में मैं आपको इंडियन लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH और अमेरिकन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट अपाचे के बीच में एक डिटेल्ड कंपैरिजन करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स बिगिन। सन 1999 में कारगिल वॉर के दौरान ही इंडियन मिलिट्री को इस बात का एहसास हो गया था कि उन्हें एक ऐसे अटैक हेलीकॉप्टर की ज़रूरत है जिसकी मदद से वे हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज यानी कि अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ऑपरेशंस को अंजाम दे सके, क्योंकि कारगिल वॉर के समय इंडियन आर्मी के पास कोई भी ऐसा अटैक हेलीकॉप्टर नहीं था जो अधिक ऊंचाई में जाकर ऑपरेशंस को अंजाम दे सके। और इसी वजह से MI-17 जैसे यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स को अटैक हेलीकॉप्टर्स में कन्वर्ट करके ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा था। और कारगिल वॉर के सबक लेते हुए इंडियन आर्मी की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए HAL ने सन 2006 में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर नाम से एक नए हेलीकॉप्टर की डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया और सन 2010 में LCH का पहला प्रोटोटाइप रेडी हो गया और उसी साल पहली फ्लाइट 2010 में कंडक्ट की गई। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH को कारगिल वॉर की वजह से डेवलप नहीं किया गया था। LCH को इंडियन मिलिट्री के पुराने हो रहे ध्रुव और सीता हेलीकॉप्टर को रिप्लेस करने के लिए डेवलप किया गया था। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर HAL ध्रुव के आधार पर डेवलप किया गया है। LCH के जनरल कैरेक्टरिस्टिक हैं, इसमें दो क्रू मेंबर्स बैठ सकते हैं। इस हेलीकॉप्टर की लेंथ 15.8 मीटर या फिर 51 फीट 10 इंच है। इस हेलीकॉप्टर का विंग स्पैन 4.60 मीटर है या फिर 15 फीट 1 इंच है। इस हेलीकॉप्टर की हाइट 7.70 मीटर या फिर 15 फीट 5 इंच है। इसका मैक्स टेक ऑफ वेट 5800 केजी का है और इसका मेन मोटर का डायमीटर 13.2 मीटर है। अब हम बात करते हैं लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH की परफॉर्मेंस के बारे में। LCH की मैक्सिमम स्पीड 287 किलोमीटर पर आर है। इसकी रेंज 580 किलोमीटर है वेपन्स के साथ। इसकी सर्विस सीलिंग 6500 मीटर है और इसका रेट ऑफ क्लाइंब 2400 फीट पर मिनट है। सो फ्रेंड्स, जब हम लोग बात करते हैं लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH में यूज़ होने वाले वेपन्स के बारे में, तो इस हेलीकॉप्टर में 20 मिलीमीटर का M621 कैनन का यूज़ होता है और इसमें इसके रॉकेट्स में 70 मिलीमीटर के FZ और थील्स रॉकेट पॉड्स का यूज होता है। इसमें 4x मिस्ट्रेल टू एयर मिसाइल और 8x ध्रवस्त्र एंटी टैंक मिसाइल का यूज़ होता है। इस हेलीकॉप्टर में क्लस्टर बॉम्ब्स, अनगाइडेड बॉम्ब्स और ग्रेनेड लॉन्चर्स का यूज़ होता है। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं अपाचे हेलीकॉप्टर के बारे में। अपाचे हेलीकॉप्टर एक अमेरिकन अटैक हेलीकॉप्टर है जिसे यूएस हेलीकॉप्टर्स के द्वारा 1975 से 1984 के बीच में बनाया गया था। इसकी फर्स्ट फ्लाइट 30 सितंबर 1975 को हुई थी और इस हेलीकॉप्टर का यूएस मिलिट्री में इंडक्शन अप्रैल 1986 में हुआ था। इस हेलीकॉप्टर के प्राइमरी यूज़र्स हैं यूएस आर्मी, इजराइल एयरफोर्स, इजिप्शियन एयरफोर्स और रॉयल नेदरलैंड्स एयरफोर्स। सो फ्रेंड्स, जब हम लोग बात करते हैं अपाचे हेलीकॉप्टर के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में,
इस हेलीकॉप्टर में 2 क्रू मेंबर्स बैठ सकते हैं, एक पायलट और एक को पायलट। इस हेलीकॉप्टर की लेंथ 58 फीट 2 इंच है या फिर 17.73 मीटर। इस हेलीकॉप्टर की फ्यूलेज लेंथ 49 फीट 5 इंच है या फिर 15.06 मीटर। इस हेलीकॉप्टर की हाइट 12 फीट 8 इंच है या फिर 3.87 मीटर। इस हेलीकॉप्टर का एम्प्टी वेट 5165 kg है और इस हेलीकॉप्टर का ग्रॉस वेट 8006 kg है। अपाचे हेलीकॉप्टर का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 10,433 kg है और अपाचे हेलीकॉप्टर का मेन रोटर डायमीटर 48 फीट 0 इंचेस या फिर 14.63 मीटर है। तो फ्रेंड, अब हम लोग बात करते हैं इस अपाचे हेलीकॉप्टर में यूज़ होने वाले वेपन्स के बारे में। अपाचे हेलीकॉप्टर में 1x30mm का M230 चेन गन का यूज़ होता है और इस हेलीकॉप्टर में AM-92 स्टिंगर का ट्विन मिसाइल पैक यूज़ होता है। इसके रॉकेट्स हैं हाइड्रा 70 mm, CRV-770 mm और APK-VWS-70 mm एयर टू ग्राउंड रॉकेट्स। और इसका मिसाइल्स है AGM-144 हेलफायर वेरिएंट के AM-92 स्टिंगर और स्पाइक मिसाइल्स। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, अब मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।